पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का दौरा गरियाबंद जिले के छुरा नगर में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आगमन आज छुरा नगर में हुआ, जहां बीजेपी के वर्तमान सांसद एवं पूर्व सांसद व बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ बीजेपी के अन्य जनप्रतिनिधि भी तीज मिलन समारोह में शीतला मंदिर प्रांगण में शामिल हुए, जहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम साई मंदिर प्रांगण में पहुंचकर वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात सभा मंच में पहुंचे और सभा को संबोधित किए, जहां काफी संख्या में महिलाओं एवं कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। 15 साल में धर्मांतरण जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी क्यों शांत थी? 15 साल में पूरा अंकुश था, ये 25 साल में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है और इनके संरक्षण में हो रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का पूरा संरक्षण है धर्मांतरण में, और जिस प्रकार दबाव, धन और लोभ करके धर्मांतरण करा रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति बनी हुई है ये कांग्रेस की वजह से। कोल माफिया, शराब माफिया के सिवाय कोई काम नहीं। इनको जो 40% देना है मैचिंग ग्रांट, वो नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। 11 लाख आवास भूपेश बघेल ने वापस कर दिया, 11 लाख आवास। और क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे एक रुपया इनके पास नहीं है गरीबों की आवास के लिए। तो गरीबों का इससे बड़ा नुकसान और कभी नहीं हो सकता। दो साल से परेशान है, उनका कहना है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। सरकार जब तक रहेगी तब तक परेशान रहेंगे, जब ये कांग्रेस से मुक्ति होगी तभी ठीक होगा। इस अवसर पर युवाओं के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाइक रैली भी निकाली गयी, जहाँ प्रदेश सरकार पर मंच से निशाना साधते हुए आवास एवं धर्मांतरण के मुद्दे पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को धरातल पर सभी योजनाओं में असफल बताया। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।